हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम आए हैं राजू स्टेशनरी। भैया क्या क्या है आपके पास? अभी हमारे पास कोल्ड कॉफ़ी है, बादाम शेक है, मसाला कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, सोडा चिकन भी है, लेमन टी है, कोल्ड कॉफ़ी है। कोल्ड कॉफ़ी ले लें, एक शिकंजी भी करवा लेते हैं। हाँ, एक शिकंजी। हाँ, एक शिकंजी और एक कोल्ड कॉफ़ी बना लीजिएगा। एक गिलास। अच्छा भैया, आपका ये दुकान कब से है? इस रोड में हम 96 है, मतलब मोटा मोटी हम हो गया, हमारा 26-27 साल हो गया। और अगर किसी को आपके दुकान में आना होगा तो इसका लोकेशन क्या होगा? संतलोइस स्कूल, नियर संताना स्कूल, पुरलिया रोड। और भैया आपके दुकान पे, जैसे ये तो बिल्कुल कॉलेज और स्कूल वाला एरिया है, तो आपके दुकान पे कौन कौन से एज ग्रुप के कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं? सर, मतलब आपका जो भी यंग ब्लड्स हैं वो तो आते ही आते हैं, कुछ फैमिली लोग भी आते हैं, क्योंकि फैमिली लोग आते हैं तो यहाँ पे कुछ हम लोग स्मोकिंग का कोई भी चीज़ रखते नहीं हैं, नहीं तो फैमिली लोग भी आते हैं बहुत सारा, यहाँ पे पूरा गाड़ी लगा करके आराम से बैठ के। और मतलब डेली के बेसिस पे आपके यहाँ का सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ जो है वो सेल होता है? एवरेज निकालना मुश्किल है, लगभग 2-3 आइटम है जो ज़्यादा बिकता है, जैसे सोडा चिकन जी हो गया, कोल्ड कॉफ़ी हो गया और मसाला कोल्ड ड्रिंक हो गया। लगभग और आइस टी कस्टमर आ जाते होंगे भैया? अभी तो हम लोग का कॉलेज स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं ना, बहुत सारा हॉस्टल लॉज बंद है, इसलिए हम लोग का 40-30% सेल है, 100% अभी सेल नहीं है हम लोग का। ऐसे आते हैं तो हम लोग के पास करीब 300-400 कस्टमर पर डे आते हैं। 300-400। शिकंजी तो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ट्राई करते हैं। नींबू पानी से बहुत अलग, और एक ना बहुत स्वीट और सार वाला जो कॉम्बो टेस्ट होता है ना, वो यहाँ पे जा कर के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत फ्रेश लग रहा है, बहुत फ्रेश। मतलब गर्मियों के लिए ये ड्रिंक ना बेस्ट है। इसका टेस्ट बहुत अलग है भैया, इसमें आप क्या क्या डाले हैं? ये खुद से हम लोग का यूज किया हुआ मसाला बनाते हैं हम लोग घर में इसको। अच्छा। गुल मिर्च है, काला नमक है, जीरा है, बहुत सारा मिक्स किया हुआ मसाला होता है, इसको हम लोग मिक्स करके बनाया हुआ रहता है घर में, हम लोग खुद से बनाते हैं। और मैंने देखा कि आप एक कुछ सिरप जैसा डाल रहे थे, वो कौन सा सिरप था? चीनी सिरप है वो, शुगर सिरप। अच्छा, शुगर सिरप। एक गिलास देना शेक करने के लिए, बड़ा वाला। हमारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बहुत सारा बना चुका है, जब जेवीएल कॉलेज के पास मेरा एक शॉप था उस टाइम हम लोग का मैरिज नहीं हुआ था, अभी तो मेरी बेटी बीकॉम पार्ट थर्ड में है अभी जेवीएल में ही। अच्छा। बेटा एक बीबीए करेगा अभी, तो अभी हम लोग मतलब जिस टाइम मैरिज नहीं हुआ था उसी टाइम से हम लोग जेवीएल के पास। बहुत सुंदर दिख रहा है। नॉर्मल शिकंजी टाइप टेस्ट नहीं आ रहा, अच्छा है। भैया मैंने काफ़ी जगह कोल्ड कॉफ़ी ट्राई किया है, बट यहाँ का कोल्ड कॉफ़ी बहुत ही अलग लग रहा है, आपने इसमें कुछ स्पेशल डाला है क्या? नहीं, कुछ स्पेशल नहीं है, हम लोग मिल्क में जैसे चॉकलेट पाउडर यूज करते हैं हम लोग, है ना, उसको खुलाने के बाद फिर कोल्ड कर लेते हैं। बहुत सारा जैसे आपका रेस्टोरेंट में जो बनाते हैं ना, वो लोग गर्म नहीं करते दूध को, कच्चा दूध को यूज कर लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, पहले दूध को खोलाते हैं, उसके बाद उसको चिल्ड करते हैं। शिकंजी इतना फ्रेश लग रहा है ना, मतलब दिन भर कोई अगर थक के यहाँ पर आए ना काम के बाद या ट्यूशन के बाद, स्कूल्स कॉलेजेस के बाद, तो उसको रिफ्रेश करने के लिए ना ये बहुत अच्छा ड्रिंक है, सचमुच बहुत रिफ्रेशिंग है। ये कोल्ड कॉफ़ी भी बहुत अच्छा है, दिखने में ही बहुत सुंदर है, मैं फिर से डेफिनेटली आ रही हूँ यहाँ पर। मी टू। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वैसे हमने ये सुना है कि रांची में काफ़ी सारे क्लाउड किचन हैं, अगर आपका भी क्लाउड किचन है और आप चाहते हैं कि हम आपका खाना ट्राई करें तो हमसे ज़रूर संपर्क करें।
और सबसे ज़रूरी बात ये कि अगर आपके नज़र में भी कोई स्ट्रीट फूड है और आप चाहते हैं कि हम वहाँ जा कर के वो ट्राई करें, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए खाते रहिए, खिलाते रहिए और स्वस्थ रहिए। दो लेमन सोडा।